Hello everyone. So today's is our topic is on budget 2021-2022. We will discuss important topic given by finance minister in the budget. So before start the video, please subscribe my channel as much as possible. Okay, let's start the video. In budget 2021, first of all is passed Gati Shakti project, national highway extended by 2500 kilometer, outlay 20,000 crore. ठीक है, लॉन्च किया गया है नेशनल टेलीमेडिसिन प्रोग्राम. ओके, अब डिजिटल में क्या क्या चेंज आए हैं. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन लॉन्च किया गया है. ई पासपोर्ट लॉन्च किया गया है. अब पासपोर्ट जो है हम ऑनलाइन भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं. 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अर्बन सिटीज, 250 करोड़ फंड टू ईच. 5 सेंटर प्रिपेयर किए गए हैं, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्बन सिटीज में, और हर एक को 250 करोड़ का फंड दिया जाएगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. अब जो व्हीकल हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं वो जो है उनके लिए पॉलिसी लाई गई है, उसके लिए जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई गई है. ओके, 280 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030 इन सोलर पैनल. सोलर पैनल में जो है 2030 तक 280 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आ जाएगी. आउटले इसका दिया गया है 19,500 करोड़. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेक्स लाया गया है रेज्ड बाय रुपीज 7.5 लाख करोड़. एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेट किए गए हैं 39.45 लाख करोड़, एंड रेवेन्यू एस्टिमेट की गई है 22.84 लाख करोड़. फिस्कल डेफिसिट जो आया है 6.9% एस्टिमेट किया है. 2023 में जो है ये 6.4 करोड़ था, और एस्टिमेट किया गया है 2025 में 4%. ओके, उसके बाद मेजर जो आया है पॉइंट क्रिप्टो एसेट को जो है परमिशन दे दी गई है. आरबीआई लॉन्च डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है, दैट इज़ क्रिप्टो. 30% ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग टैक्स लगाया गया है. डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं है, इनकम टैक्स स्लैब सेम्स रहेंगी. टैक्स इंसेंटिव रेस अप टू मार्च 2023. जो टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए थे 2021 तक, अब जो है 23 तक जो है उनको रेज कर दिया गया है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज जो है वो उसको कम कर दिया गया है बाय 15%. इनकम टैक्स प्रमोशन ऑफ ब्लेंडेड फ्यूल. थ्रस्ट ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर टेक एजुकेशनल रीच टू द रूरल एरिया तक भी जो है एजुकेशन पहुंचाई जाएगी, उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है. बेसिकली 4 पॉइंट्स आए हैं, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मगरेना बजट जो है वो 25% से कम कर दिया गया है. फूड सब्सिडी को 27% से कम कर दिया गया है. ठीक है, एजुकेशन बजट को 1 लाख करोड़ से इंक्रीज कर दिया गया है.
एस्टैब्लिश एक डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी। इसके अलावा नेशनल मेंटल टेली हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, डिफेंस बजट लॉन्च किया जाएगा, कॉरपोरेट सरचार्ज टैक्स को 12% से 12% टू 7% कम कर दिया गया है। दैट्स इट फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।